कैसे आप लोग? आज का ब्लॉग मैं ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि दीदी का तबीयत हो गया डाउन और दीदी को नहीं पसंद है सेम और आलू। तो क्या करें, आप लोग बताओ कि दीदी को क्या पसंद है। मेरे ख्याल से चूरा। आप लोगों को चूरा भुना हुआ पसंद है, तो हम बना रहे हैं दीदी के लिए चूरा और घुघनी। जिन जिनको खाना है ना, जल्दी से आ जाओ हमारे चैनल पे और उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे किस किस को अच्छा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में ना ढेर सारा कमेंट किया कीजिए कि आप लोगों को किस किस को अच्छा लगता है, किस किस को नहीं अच्छा लगता। और अभी ना दीदी सो रही है, अभी 2 बज रहे हैं और मैंने साँझ का सारा काम कर लिया ताकि मैं इसे आराम से बनाऊँ, उसके बाद दीदी आराम से खा ले। तो हम लोग चूरा अभी ये काटूँगी पहले, उसके बाद मैं चूरा भूनूँगी और फिर आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तब तक आपको ना एक काम करना पड़ेगा, पता है क्या? हंसते रहना है और हंसते हंसते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है और अपने फैमिली मेम्बर को शेयर भी करना है। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हमारी फैमिली जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। हम लोग ना अपने लाइफ से बोर हो चुके हैं। सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर सो जाओ। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। ऐसे आप लोग क्या ठंडी में पूरे दिन करते हो ये ज़रूर बताना। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और ऐसे ही स्माइल कर रहे होंगे। तो मैं कीर्ति भारद्वाज और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस ब्लॉग का आगे बढ़ाते हैं। और अभी है शाम का टाइम, फिलहाल अभी यहाँ का मौसम बहुत भयंकर वाला चल रहा है। भयंकर वाला कहिए तो बारिश चल रही है जी हाँ, ठंड के टाइम में और ऊपर से बारिश हो रही है। चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए बारिश की वजह से यहाँ पर भींगा भींगा सा आपको दिख रहा होगा और इधर ठंड ठंड हवा पूरा एकदम आ रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो ये देखिए चूरा फ्राई हो चुका है अच्छे से और पूरे अच्छे से चूरा फ्राई हो गया है। अरे सब अभी पालक की व्यवस्था कर रही है, पालक बन रहा है ना, पालक आलू रात के लिए बना रही है। और उधर रेशम कुकर में आलू पालक सेट कर रही है। वाली घुघनी बनकर तैयार हो गई है जो कि चूरा के साथ खाएंगे हम लोग। खाने वाले हैं चूरा और घुघनी। जी हाँ, मटर वाले वो जो चने का बनाए थे उसको घुघनी कहते हैं, तो चूरा घुघनी खाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी घर पे यही बनाइएगा और खूब सारा खाइएगा, खूब सारे परिवार के साथ मस्ती कीजिएगा क्योंकि ठंड का टाइम है तो फैमिली के साथ बिताइए। ठंड के टाइम में वो भी बारिश, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कितनी ठंड आने वाली है। जी हाँ, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बारिश की बूंदें और ये वीडियो छोटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने आपको गोभी भी दिखाया है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जी यहाँ पर तो कुछ मौसम का ही हाल है कि अभी शाम का टाइम है और यहाँ पर हो रही है तेज की बारिश की वजह से, मतलब लाइट भी कटी हुई है, लाइट नहीं है अभी तो क्योंकि बारिश हो रही है ना तो लाइट नहीं देंगे। और यहाँ पर शाम का टाइम है मतलब कि रात का खाना बन रहा है। ठंड में इनके पास स्वेटर नहीं है, नहीं है ना स्वेटर? कोई दे दो। शक्ल तो ऐसी बना लेती हैं, तो आपको दिखाया था। और तो इधर आलू और पालक की आप देखो ये तरी बन गई है, इसमें छौंकना है बस। पालक की तरी के साथ ना चावल ही अच्छी लगते हैं तो इसमें चावल बनाया है रेशम ने। ठंड नहीं लग रहा है, मतलब बारिश हो रही है बाहर, ये लोग व्लॉग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मतलब ठंड है भाई या मजाक चल रही है? देखिए बादल अभी गरज रहा था, अभी बादल गरज रहे हैं, मुझे ठंड नहीं लगती। देखो बादल भी गरज रहा है। किचन से फुर्सत मिल गई है, रात के 10 बज रहे थे। सुबह के लिए ये सबने सब्जी भी बना कर रख लिया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सुबह मुझे 8 बजे से पहले मत उठाना प्लीज। अच्छा और कुछ? हाँ, सुबह चाय और रोटी, पापा का लंच पैक करके पापा के लिए हो गए। तो आप देख सकते हैं किचन में हमारा सेटअप ऐसे, रात का खाना ढक रख चुका है। और इधर अब आएंगे हम लोग सुबह को, इस रूम में फिल्म चल रहा है, फिल्म महोत्सव। तो
अभी आप देख सकते हैं धूप यहाँ पर सेक रही है, बहुत अच्छा, मतलब कि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। कल रात इधर बारिश हुई थी तो मुझे लगा कि अब तो ठंड आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, पर बारिश होने के बाद तो दिन और भी अच्छा कर दिया है। अभी धूप बहुत अच्छी आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, और चेहरे पे ऐसी स्माइल बनाए रखिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। तो फिलहाल जो है अभी शाम का डिनर बन रहा है, तो आज डिनर बना रही है रेशम। और क्या बना रही है वो सिर्फ रेशम ही बता सकती है जी। हाँ, आप भी जानना चाहेंगे कि मिर्ज़ापुर क्या होता है, तो चलिए हम दिखाते हैं कि मिर्ज़ापुर क्या है। यहाँ आते से हम कहते हैं मिर्ज़ापुर। यहाँ पर रेशम ने बेसन को पहले अच्छे से मिलाया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं बेसन इस तरह करके इसे तेल भी डाल, तेल मतलब डालकर भून रही हो, थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर रही है। इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम जो है ना इसका असली वाला नाम नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं क्या नाम है, नहीं बोल पाते, इसलिए हम लोग मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर, लेकिन इतना याद है कि इसका नाम मौ से ही है, तो इसलिए इसे हम मिर्ज़ापुर कह देते हैं। परेशम का स्वेटर रखा हुआ है, अभी जाकर बोलते हैं पहनने के लिए, तो आप लोग सुनिएगा क्या बोलना है उसका। रेशम स्वेटर पहन लो, ठंड लग रही है। हाँ पहन लो। नहीं मुझे नहीं ठंड लग रही, पहन लो ना। नहीं लग रही ना। अरे वीडियो बंद है, पहन लो। नहीं अरे अच्छी नहीं लग रही है ना वीडियो में, तुम अच्छी नहीं आ रही हो। अच्छी नहीं आ रही? नहीं वीडियो में अच्छी तो आना है। हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि कैमरे में अच्छी नहीं लग रही। पहले से क्यों नहीं लाया? अभी लेकर थोड़ा लेट हो गए ना, थोड़ा पहले तो लाना चाहिए। जलती हो, मैं अच्छी नहीं लगती क्या इसके अंदर? नहीं नहीं अब पहनोगी ना, अब अच्छी लगोगी। ये गुलाबी गुलाबी तुम पर अच्छे लगते हैं ना। अल्ले अल्ले बच्चा बच्चे को यहाँ पर मोड़ कर पहनने की आदत है। अभी ये पहनती नहीं, मैं इसे कैमरे के सामने जब मैं बोली हूँ कि अच्छे नहीं लग रहे, तब जाकर ये पहनने के लिए राजी हुई है। जीरा बेचारी जीरा भी नहीं ले पाती है। तो रेशम खाना बनाती है, और मैं यहाँ पर से इसको मसाला वगैरह जो भी ज़रूरत होता है सारा ला कर देती हूँ, फिर ये जाकर ओ सॉरी तुमने पहले से ही ले लिया, लेकिन रोज़ तो तुम मुझसे मंगवाती थी ना। रोज आप भी तो यहाँ होती थी, लेकिन तुम मुझसे मंगवाती थी ना हमेशा, ये दो पानी दो ये दो धोकर। बताइएगा आप लोग में से बासी खाना किसे पसंद है? बासी खाना भाई किसे पसंद हो सकता है? जी हाँ, खास करके रोटी, बासी रोटी मुझे पसंद है, मेरा हाथ खड़ा है। जैसे तुमको भी पसंद है ना, हम दोनों ही तो खाते हैं घर का बासी रोटी, इसीलिए ना आदत पड़ गई है बासी बासी खाने का। कभी कभी तो मन करता है पक्का एक हफ्ते का खाना एक दिन बनाकर। हाँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा आसान भी लगता है, कहो कैसे, मुझे लगता है कि रात को मैं थोड़ा ज़्यादा रोटी बना लूँ ताकि मुझे सुबह को ना थोड़ा कम बनाना पड़े, तो इसलिए कर मुझे शायद बासी रोटी पसंद होगी। बनाना तो सेम ही पड़ जाता है, पर लगता है कि थोड़ा सुबह तो आसान होगा ना, कम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हमने सारे मसाले प्याज में डाल दिए हैं, और आज हमने बनाया था, आपको दिखाती हूँ ये क्या है, जरा बताइएगा। फेंक दीजिए। ये दूध पिट्ठी है, दूध में बनाया था और आटा डाल दी थी, रेशम ये रेशम का आइडिया था। हिंग दो ओए पढ़ाई करने के लिए।